हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। आज के सेशन में हम नया यूनिट शुरू करेंगे, यूनिट 7 कॉर्पोरेट लॉस पार्ट 2। दिस यूनिट इज पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट बिजनेस एनवायरनमेंट, एमसीओ 4 एमकॉम सेकंड ईयर, इग्नू। बिफोर वी बिगिन, इफ यू लाइक द वीडियोस दैट आई एम शेयरिंग, डू हिट द लाइक बटन, डू शेयर योर कमेंट्स टू लेट मी नो यू फाइंड ऑल दिस यूजफुल फॉर योर स्टडीज। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब सो दैट यू वोंट मिस आउट ऑन वॉचिंग एंड लर्निंग फ्रॉम माई वीडियोज। चलिए शुरुआत करते हैं इस यूनिट की, जो कि है कॉर्पोरेट लॉस पार्ट 2। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस यूनिट में हमको क्या क्या टॉपिक्स कवर अप करना है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 से। इसके अंदर हम वेरियस टॉपिक्स कवर अप करेंगे। नेक्स्ट वी हैव मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट 1969, जो हम MRTP एक्ट जो बोलते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देन कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। सो इस यूनिट में मेनली हम जो एक्ट्स होते हैं, एक्ट्स और जो लॉज है, प्रीवियस यूनिट में देखा था हमने लॉ वगैरह की जरूरत क्यों पड़ती है और लॉज किस हिसाब से होता है, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। इन सब का जो ओरिजिनेशन वगैरह कहाँ से हुआ था, सिख इंडस्ट्रीज वगैरह क्या था, ये सब के बारे में हमने पिछले यूनिट में पढ़ा था। सो इस यूनिट में हम ये देखेंगे कि डिफरेंट लॉज जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, जो कॉर्पोरेट्स में एप्लीकेबल है, वो जो इम्पॉर्टेंट लॉज है वो कौन कौन से हैं। सो हमारा जो कंपनी होता है, कंपनी को एक लेजिस्लेशन, जो भी गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है, उस रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर ही रहकर उसको सारे काम जो है वो करने होते हैं। सो जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, ये सारा हमारा लीगल एनवायरमेंट जो है वो बनाता है। वेरियस उस लीगल एनवायरमेंट में वेरियस एक्ट्स वगैरह गवर्नमेंट ने बना रखे हैं, जिससे कि जो है हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंडस्ट्री जो है, एक सब कुछ उसका सारा वर्किंग जो है प्रॉपर तरीके से जो है वो स्ट्रीमलाइन हो जाए। सो इसमें कौन कौन से एक्ट्स हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले जो हम एक्ट जो हमको पढ़ना है, दैट इज अवर इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951। सो ये 1951 का एक्ट है हमारा, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन। तो यहाँ पे नाम में ये इंडस्ट्रीज पे ये एप्लीकेबल होगा, उसके डेवलपमेंट और उसके रेगुलेशन के लिए। सो इंडस्ट्री को हम किस तरीके से रेगुलेट करेंगे, किस तरीके से उसका डेवलपमेंट होगा, ये सारा इस एक्ट में दिया गया है। सो दिस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1951, इट वॉज इनएक्टेड विद अ व्यू टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन द कंट्री एंड bring under central control a number of important industries, the activities of which affect the country as a whole. So, हमारा मेन एम है कि इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हम लोग करें, और कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज, काफ़ी सारे ऐसे इंडस्ट्रीज होते हैं जो हमारे कंट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो ऐसे एक्टिविटीज़ को, उन सारे एक्टिविटीज़ को प्रॉपर हम स्ट्रीमलाइन कर सके, प्रॉपर जो है हम कंट्रोल कर सके उन सब के एक्टिविटीज़ को। सो इसलिए जो है हमारा गवर्नमेंट जो है इस एक्ट को लेके आया, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट को। सो यहाँ पे अगर हम इस एक्ट में जो है, एक्ट की अगर बात करें, ये एक्ट जो था, इट केम इनटू फोर्स ऑन May 8, 1952। ये एक्ट बना था 1951 में, बट इसका एप्लीकेबिलिटी, अगर हम एप्लीकेबिलिटी की बात करें, इट वॉज इफेक्टिव फ्रॉम 1952, May 8, 1952। सो May 8, 1952 के बाद जो भी इंडस्ट्रीज थे, उन सब पे जो है ये एक्ट जो है लागू होगा। अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, ये एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, सो इसका मेन ऑब्जेक्टिव पहला तो यही था कि रेगुलेट करना ऑफ ऑल द इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू प्लान्ड प्रायोरिटीज एंड टारगेट्स। सो फर्स्ट इसका मेन जो अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें, दैट वाज रेगुलेशन। पूरे के पूरे इंडस्ट्री में जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, उसको हम प्रॉपर तरीके से प्लान करके हमारे प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग सारे प्रोडक्ट, सारे चीज़ों को हम जो है हम जैसे पैसा आ गया हमारा, इन्वेस्टमेंट जो आता है, उस इन्वेस्टमेंट को प्रॉपर तरीके से प्रायोरिटी के हिसाब से उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन करें, हमारे टारगेट के हिसाब से हम डिस्ट्रीब्यूट करें। जो सेकंड इसका मेन ऑब्जेक्टिव आता है वो है रिगार्डिंग स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स। सो हमारा मेन काम ये था कि ये नहीं कि भाई बस जो बिग कॉर्पोरेट्स हैं हम उनको प्रमोट करते रहे, उनको खैर प्रमोट करना चाहिए, बट जो छोटे कंपनीज है, छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनका क्या। सो इट्स सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट वाज टू प्रोटेक्ट द स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स अगेंस्ट कंपटीशन फ्रॉम लार्ज यूनिट। सो हम यहाँ पे जो है छोटे छोटे हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स थे, उनको हम प्रोटेक्ट करके रखते थे अगेंस्ट कॉम्पिटिशन फ्रॉम लार्ज यूनिट्स।
The third important objective was prevention of monopoly. जो मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिस होता है उसको एकदम बंद करना, मोनोपोली बंद करना एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओनरशिप ऑफ इंडस्ट्रीज. कुछ जगह में क्या होता है, बड़े बड़े फर्म्स, ये जहाँ सारे जो बड़े फर्म्स होते हैं वो ये प्रैक्टिस करते हैं मार्केट में मोनोपोली करके. सो हमें जो है मोनोपोली को प्रिवेंट करना है, ऐसा ना हो कि एक इंडस्ट्री में, एक जो जगह है, एक एरिया में एक ही इंडस्ट्री डोमिनेट करे. वहाँ पे फेयर प्ले होना चाहिए, जो छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको भी जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए. सो यहाँ पे जो है मोनोपोलिस्टिक जो प्रैक्टिस है उसको प्रिवेंट करना और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओनरशिप ऑफ इंडस्ट्रीज एक ही जगह, उसको भी प्रिवेंट करना इस एक्ट का उद्देश्य है. नेक्स्ट, अगर हम बात करें, हमें एक बैलेंस्ड तरीके से डेवलपमेंट चाहिए. अगर किसी भी रीजन की बात करें, सो वी नीड अ बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट विद अ व्यू टू रिड्यूसिंग डिस्पैरिटीज इन द लेवल ऑफ डेवलपमेंट इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द इकोनॉमी. सो इकोनॉमी की पूरी हम बात करें, अगर किसी स्टेट की बात करें, स्टेट में प्रॉपर बैलेंस तरीके से सारा डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए. वैसे डिस्ट्रिक्ट वाइज तो हो गया, स्टेट वाइज हो गया, वैसे ही पूरे के पूरे कंट्री में जो है डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, हर चीज का जो है प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, हर चीज जो है इक्वल तरीके से. अगर डेवलपमेंट हो रहा है, ऐसा नहीं कि अगर एक रीजन, फॉर एग्जांपल कोई भी स्टेट लो, अगर गुजरात में जो है कुछ इंडस्ट्रीज है, ऐसा नहीं है कि गुजरात ही बहुत ज्यादा डेवलप होता जा रहा है, बाकी सारे स्टेट्स एकदम पिछड़ते चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए. सेम चीज़ जो है बाकी स्टेट्स में भी लाना चाहिए और हर जगह पूरे की पूरी, अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें, इंडियन इकोनॉमी में एक बैलेंस्ड ग्रोथ आपको देखने को चाहिए. सो ये सारा था हमारा मेन, हमारा गवर्नमेंट का उद्देश्य. एंड इट वॉज होप दैट थ्रू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग द गवर्नमेंट वुड बी एबल टू डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज, कोरिलेट डिमांड एंड सप्लाई इन द डोमेस्टिक मार्केट एंड एंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ सोशल कैपेसिटी इन द कंट्री. सो यहाँ पे हमारा गवर्नमेंट जो था वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव तरीके से चल रहा था. गवर्नमेंट तो बस यही चाहता था कि पूरे हमारे इकोनॉमी में बैलेंस तरीके से ग्रोथ हो. अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो और जो इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स है, कुछ सेक्टर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स होते हैं, अगर हम सारे इंडिया की बात करें तो, सारे जनता की बात करें तो, उनके लिए जो कुछ इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स होते हैं उन सेक्टर में जो है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिले, डिमांड एंड सप्लाई जो है प्रॉपर तरीके से बैलेंस्ड वे में चले. डिमांड का ऐसा ना हो कि डिमांड बहुत ज़्यादा है उसके, उसको पूरा करने के लिए सप्लाई ही नहीं है, या फिर सप्लाई बहुत ज़्यादा है उसको खरीदने के लिए लोग नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए. इन दोनों का बैलेंस करना बहुत जरूरी है और ये बैलेंस करवाना किसका काम है, हमारा गवर्नमेंट का काम है. और गवर्नमेंट ये सारा कैसे करते हैं, बाय यूजिंग वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशन. और ये एक्ट जो है हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951, इसका भी उद्देश्य यही था कि पूरे के पूरे इकोनॉमी में एक प्रॉपर तरीके से ग्रोथ हो, एक प्रॉपर तरीके से डिमांड एंड सप्लाई का डोमेस्टिक मार्केट में कोरिलेशन हो और मैक्सिमम जो हमारा जितना भी रिसोर्सेज है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो.
तो सबसे पहले हम देखेंगे रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, दैट इज़ द फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन इसके बारे में हमें पढ़ना है. तो सबसे पहले इसमें आता है रजिस्ट्रेशन का पार्ट. अगर हम रजिस्ट्रेशन की पार्ट की बात करें सो देयर इज सेक्शन 8 फॉर दिस. सेक्शन 8 जो होता है इट रिक्वायर्स द ओनर ऑफ एवरी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग टू रजिस्टर द अंडरटेकिंग इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर एंड विद इन द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड. सो यहाँ पे सेक्शन 10 के अंदर ये बताया गया है कि आपको जो है सारे ओनर को उसका इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग जो है उसको क्या करना है, उसको रजिस्टर करना है. जितना भी आपका टाइम लिमिट है, जो भी आपके फॉर्म वगैरह है, सारे फॉर्म प्रॉपर फिल करके जितने भी डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं वो सारे डॉक्यूमेंट लगा के आपको जो है उसको विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट आपको उसको क्या करना है, आपको उसको रजिस्टर करवाना है. फिर एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इज सो रजिस्टर्ड इट इज इश्यूड अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कंटेनिंग द प्रोडक्टिव कैपेसिटी एंड द इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग एंड सच एज पर्टिकुलर्स मे बी प्रिस्क्राइब. सो यहाँ पे जो है ये सारा चीज़ें जब आप दोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. यू विल गेट द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट. सो यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको मिलेगा उसमें लिखा होगा कि आपका जो है कैपेसिटी कितना है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी आपके इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का वो कितना है, और भी सारी काफ़ी सारी डिटेल जो है वो आपका होगा. इसके अलावा अगर देयर इज एन इंडस्ट्री इफ द इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग विच रिक्वायर्स रजिस्ट्रेशन बट हैज़ नॉट बीन रजिस्टर्ड. अब अगर आपका इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग कुछ इस प्रकार का है जिसको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है बट आपने अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो हमारा जो ओनर है, ओनर कितना लायबल होगा, ही इज़ लायबल अंडर सेक्शन 24. अंडर सेक्शन 24 उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, या फिर इम्प्रिजनमेंट 6 महीने का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, या फिर उसको फाइन हो सकता है up to ₹5,000, या फिर दोनों ही हो सकता है. सो अगर आपका इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है, अगर उसको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, सो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना ही होगा विद इन द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड. अगर आपने प्रिस्क्राइब्ड पीरियड में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो आपको फाइन लग सकता है और आपको जेल भी हो सकता है 6 महीने का. सो रजिस्ट्रेशन देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो ये बात कर ली हमने रजिस्ट्रेशन के बारे में. नेक्स्ट हम बात करेंगे लाइसेंसिंग की. लाइसेंसिंग जो होता है वो नेसेसरी होता है, और कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस है जिसमें कि ये जो है बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होता है, जैसे कि एस्टैब्लिशिंग अ न्यू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग. नाउ आई स्टेटेड अर्लियर लाइसेंसिंग इज नो मोर कंपलसरी एक्सेप्ट इन द केस ऑफ 6 इंडस्ट्रीज एज गिवन इन शेड्यूल 2 एज पर नोटिफिकेशन डेटेड 25/7/1991. सो ऐसे कौन से इंडस्ट्रीज है, 6 ऐसे इंडस्ट्रीज है जिसमें कि लाइसेंसिंग जो होता है वो कंपलसरी होता है, आपको चाहिए ही चाहिए होता है. तो कौन से ऐसे इंडस्ट्रीज है, पहला इंडस्ट्री हो गया डिस्टिलेशन एंड ब्रूइंग ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक्स. सो एल्कोहल वगैरह के केस में आपको जो है रजिस्ट्रेशन जो है लाइसेंसिंग, ये जो चीज़ है लाइसेंसिंग बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है. देन इन द केस ऑफ सिगार एंड सिगरेट, टोबैको मैन्युफैक्चरिंग अगर आप कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस एंड डिफेंस इक्विपमेंट्स, अगर इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स की अगर हम बात करें, सेफ्टी फ्यूज हो गया, डेटोनेटिंग फ्यूज हो गया, गन पाउडर हो गया, ये सारी चीज़ों के लिए भी चाहिए होता है, हमको कंपलसरी होता है. देन रिलेटेड टू हजार्डस केमिकल्स, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स अकॉर्डिंग टू द ड्रग पॉलिसी. सो ये ऐसे 6 चीज़ें हैं. अगर इन 6 चीज़ों में आपका इंडस्ट्री है, अगर आपका कंपनी ये 6 चीज़ों में से कोई भी प्रोडक्ट में जो इन्वॉल्व होता है तो आपको जो है लाइसेंसिंग जो है वो कंपलसरी है. नेक्स्ट इज टेकिंग अप द मैन्युफैक्चर ऑफ अ न्यू आर्टिकल. ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लाइसेंस इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में अगर आप एक न्यू आर्टिकल का कुछ करते हो मैन्युफैक्चर, तब भी आपको लाइसेंसिंग चाहिए होगा. देन अगर एक्सपेंशन आप करते हो उसके लिए भी चाहिए होगा.
ऐसा आपका अगर अंडरटेकिंग है जो कि रजिस्ट्रेबल है बट उसको आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, देन ऑल्सो यू नीड लाइसेंसिंग. देन कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ एन एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग टू विच लाइसेंसिंग प्रोविजन ऑफ द एक्ट डिड नॉट ओरिजिनली अप्लाई ऑन अकाउंट ऑफ एन एग्जेम्पशन ऑर्डर इशूड बाय दिस गवर्नमेंट एंड बिकेम एप्लीकेबल thereafter as a result of cancellation of the exemption order under certain other circumstances as provided in that. So aap agar kuch aisa industrial undertaking mein aap kuch aisa kaam kar rahe ho jo ki pehle jo tha ek exemption mein tha, pehle wo cheez exemption mein tha but kyunki rule wagera change hone ke karan wo exemption se wo cheez jo hai hat gaya. So aise case mein jo hai, aise circumstances mein again jo hai you will need registration. Next, in the case of industrial undertaking the registration in respect of which has been revoked. Again, वो जो revoke हो गया हो under section 10 which cannot carry the business of the undertaking after the revocation and changing the location of the whole or any part of the industrial undertaking which has been registered. So यहाँ पे जो है जो भी हमारा ये जो act के अंदर ये बोला गया है कि इन सब के लिए जो है हमारा जो registration है जो licensing की अगर हम बात करें licensing इन सब चीज़ के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा क्या है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. सो हमने देख लिया कि क्या क्या चीज़ों के लिए जो है licensing जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. अब हम ये देखते हैं कि जो इंडस्ट्रियल लाइसेंस होता है इस एक्ट के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए जो है ये नेसेसरी बिल्कुल भी नहीं है. तो अगर हम पहले बात करें कि किसके लिए नेसेसरी नहीं है, पहला चीज़ आता है द आइटम ऑफ मैन्युफैक्चर डज नॉट रिलेट टू द शेड्यूल्ड इंडस्ट्रीज. तो कोई भी ऐसा मैन्युफैक्चर अगर वो शेड्यूल्ड इंडस्ट्रीज से रिलेटेड नहीं है तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा. इफ़ द प्रपोज मैन्युफैक्चर इज टू बी कैरीड ऑन इन अ फैक्ट्री विच डज नॉट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ फैक्ट्री तो उस केस में भी एप्लीकेबल ये नहीं होगा. नेक्स्ट, इफ द आइटम ऑफ मैन्युफैक्चर डज नॉट फॉल विद इन द डेफिनेशन ऑफ न्यू आर्टिकल. यहाँ पे प्रीवियस में हमने देखा था न्यू आर्टिकल के डेफिनेशन में होगा तो यू विल हैव टू टेक अ लाइसेंसिंग. बट अगर अगेन इसी का उसी चीज़ों का देखो उल्टा एक तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर वो न्यू आर्टिकल के डेफिनेशन में नहीं आता तो आपको क्या करना होगा, आपको लाइसेंसिंग की कोई ज़रूरत ही नहीं है. अगेन जो सब्सटैंशियल एक्सपेंशन हमने प्रीवियस में पढ़ा था कि सब्सटैंशियल एक्सपेंशन अगर हो रहा है तो उसके लिए आपको लाइसेंसिंग चाहिए, तो यहाँ पे उसी का उल्टा दिया गया. अगर सब्सटैंशियल एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, सब्सटैंशियल एक्सपेंशन की गाइडलाइंस में आपका इंडस्ट्री जो है वो फॉल नहीं हो रहा है तो उस केस में यू विल नॉट रिक्वायर लाइसेंसिंग. नेक्स्ट, इन केस ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रियल यूनिट्स एंड एंसिलरी यूनिट्स इवन फॉर एक्टिविटी सब्जेक्ट टू कंपल्सरी लाइसेंसिंग प्रोवाइडेड देयर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स एंड प्लांट. सो अगर सब्सटैंशियल एक्सपेंशन की गाइडलाइंस में नहीं हो तो नहीं एप्लीकेबल होगा. नेक्स्ट, ये जो हम बात कर रहे थे यहाँ पे जो है स्मॉल स्केल यूनिट की, स्मॉल स्केल यूनिट और एंसिलरी यूनिट में अगर कंपलसरी लाइसेंसिंग की जरूरत है प्रोवाइडेड दैट देयर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट एंड प्लांट एंड मशीनरी हेल्ड ऑन ओनरशिप टर्म्स और लीज ऑन हायर और परचेज डज नॉट एक्सीड 1 करोड़ सो इस केस में भी जो है लाइसेंसिंग की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी. नेक्स्ट, प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्विंग एन इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट अप टू 25 करोड़, ऐसे इन्वेस्टमेंट ऐसे प्रोजेक्ट्स जिसमें कि फिक्स्ड एसेट में आपको 25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना हो चाहे उसका लोकेशन नॉन बैकवर्ड एरिया में ही क्यों ना हो और फॉर अप टू 75 करोड़ इफ दे आर लोकेटेड इन सेंट्रली डिक्लेयर्ड बैकवर्ड एरिया. सो 25 करोड़ इन केस ऑफ नॉन बैकवर्ड एरियाज एंड 75 करोड़ इन केस ऑफ सेंट्रली डिक्लेयर्ड बैकवर्ड एरिया. सो ऐसे जगह पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो भी आपको लाइसेंसिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी. एंड फाइनली, इंडस्ट्रियल यूनिट्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम लाइसेंसिंग. अब ऐसे जिनको जो प्रोविजन में ही लिखा हुआ है कि भाई आप लोग एग्जेम्प्टेड हो तो ऐसे केस में भी अगेन इसको नहीं लगेगा. सो ये सारा हम क्या देख रहे हैं, हम सारा ये देख रहे हैं कि लाइसेंसिंग जो है किस किस को लगेगा, कौन से ऐसे इंडस्ट्रीज है जिनको लाइसेंसिंग लगेगा और कौन से ऐसे इंडस्ट्रीज है जिनमें जो है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग का जो एक्ट है वो एक्ट के अकॉर्डिंग जो है इन लोगों को लाइसेंसिंग की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी. सो ये अभी हमने जस्ट फर्स्ट पार्ट देखा है, जो हमने इंपॉर्टेंट प्रोविजन हम देख रहे हैं. इंपॉर्टेंट प्रोविजन में जो सबसे पहला आपका इंपॉर्टेंट प्रोविजन है वो हम देख रहे हैं रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग वाला. अब हम जो है सेकेंड वाला देखेंगे, सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रोविजन आपका क्या है, वो है इन्वेस्टिगेशन इंटू शेड्यूल्ड इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग. सो इन्वेस्टिगेशन इंटू शेड्यूल्ड इंडस्ट्रीज, इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन. अब ये इन्वेस्टिगेशन का पावर किसको दिया गया है, नाउ एक्ट के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरा का पूरा पावर दे रखा है कि आप कंडक्ट कर सकते हो
full and complete investigation into the circumstances of the scheduled industry or industrial undertaking. So आप investigation कर सकते हो सारे scheduled industries का या फिर सारे industrial undertaking में आप investigation कर सकते हो. अब क्या ऐसे ही जाके investigation करेंगे? नहीं. Investigation आप किस conditions में कर सकते हो? पहला condition ये होगा कि अगर आपको लगे कि fall हो रहा है in volume of production, अगर किसी भी शेड्यूल्ड इंडस्ट्री या फिर किसी भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में प्रोडक्शन का फॉल हो रहा है या फिर जो क्वालिटी है क्वालिटी का डिटीरियोरेशन हो रहा है, सो ऐसे केसेस में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर कर रखा है इस एक्ट ने कि आप जो है जाके इन्वेस्टिगेट कर सकते हो. एंड सेकेंड, इफ एनी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इज बीइंग मैनेज्ड इन अ मैनर हाईली डेट्रीमेंटल टू द शेड्यूल्ड इंडस्ट्री कंसर्न, सो अगर जो है आपका अगर कोई इंडस्ट्री इस तरीके से इस तरीके से मैनेज हो रहा है कि वो जो है पूरा का पूरा इंडस्ट्री के लिए ही डिट्रीमेंटल है, पूरे के पूरे इंडस्ट्री के वेलबींग के लिए वेलबींग के खिलाफ है, सो ऐसे केस में भी एक्ट ने एम्पावर कर रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप जाके उसमें छानबीन कर सकते हो, आप जाके उसमें जांच पड़ताल जो है वो कर सकते हो. फर्दर अगर जैसे हाई कोर्ट ने बोला है कि भाई कोई ऐसी कंपनी है जो कि वाउंड अप होना है, जो कि बंद होना है, या फिर उसके जो है अंडरटेकिंग वाउंड अप होना है, या फिर वो अगर सुपरविजन में है हाई कोर्ट के, सो ऐसे केस में भी सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे रखा है कि आप वहां पे भी जाके आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हो इनटू द पॉसिबिलिटी ऑफ रनिंग और रिस्टार्टिंग द इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग. सो ऐसे केस में एक्ट बोलता है कि जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जाके ऐसे जो इंडस्ट्रीज जो कि बंद होने वाले हो वाइंड अप होने वाले हो ऐसी इंडस्ट्रीज में जाके छानबीन कर सकता है कि क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि हम इस इंडस्ट्री को फिर से चला पाए या फिर से कुछ कर पाए. सो यहाँ पे पॉसिबिलिटी के लिए जो है हमारा जो है एक्ट एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को अगेन छानबीन करने के लिए. Next, we will study about the takeover of management of industrial undertakings. Now, this act has made elaborate provisions for takeover of the management of industrial undertaking in certain cases. अब ऐसे cases कौन-कौन से हैं जिसमें हम takeover कर सकते हैं of management of industrial undertaking. This is the third most important provision जो कि इस act ने दिया गया हुआ है. So, तीन ऐसे conditions है. पहला condition है takeover after investigation. अब investigation हमने क्या पढ़ा था कौन कर सकता है? Central government. सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इस अंडरटेकिंग का जो है इन्वेस्टिगेशन करेगा और जो है अगर उसको लगता है कि ये जो है डायरेक्शंस फॉलो नहीं कर रहा एक्ट के अंदर जो भी लिखा है, फॉर एग्जांपल एक्ट के सेक्शन 16 का अगर ये फॉलो अप नहीं कर रहा या फिर जो है वो मैनेज इस तरीके से हो रहा है कि पूरा शेड्यूल्ड इंडस्ट्री के लिए के बेनिफिट में नहीं है के हित में नहीं है, सो ऐसे केस में जो है सच ऑर्डर कैन बी इश्यूड फॉर अ पीरियड बट नॉट एक्सीडिंग 5 years एंड इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 2 years एट अ टाइम बट द टोटल पीरियड इन नो केस शैल एक्सीड 12 years आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द इनिशियल पीरियड ऑफ 5 years. सो 5 years का जो है वो क्या कर सकती है, वो जो है ऑर्डर दे सकती है 5 साल का, बट मैक्सिमम जो है ये 12 साल का ऑर्डर ही होना चाहिए. नेक्स्ट जो है टेक ओवर विदाउट इन्वेस्टिगेशन. अब कुछ केसेस में जो है विदाउट इन्वेस्टिगेशन भी टेक ओवर होता है, वो कैसे केसेस में, अगर द पर्सन इंचार्ज इज मेकिंग रेकलेस इन्वेस्टमेंट, जो पर्सन इंचार्ज है यानी कि जो ओनर है या जो सीईओ है जिसको पावर दे रखा है वो रेकलेस इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ऐसा इन्वेस्टमेंट जिससे कि हमारा जो एसेट है कंपनी का एसेट जो है वो खराब हो रहा है या फिर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फंड कर रहा है, डाइवर्जन कर रहा है हमारे फंड का. डाइवर्जन मतलब कि अगर जो है कोई स्टॉक खरीदने के लिए पैसा रखा हुआ उस पैसों से आप जो है स्टॉक या प्लांट एंड मशीनरी खरीद दिए बिना आप क्या कर रहे हो, अपने लिए गाड़ी ले रहे हो, अपने लिए रोल्स ले रहे हो, अपने लिए पोर्श ले रहे हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां आप अपने लिए ले रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप जो है घपला कर रहे हो, आप जो अपने ऑर्गेनाइजेशन का पैसा जो अपने कंपनी का पैसा जो है वो आप उसको क्या कर रहे हो, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फंड कर रहे हो. सो ऐसे केसेस में जो है विदाउट इन्वेस्टिगेशन भी हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक्शन ले सकता है. और थर्ड क्या है, थर्ड क्या केस क्या है, जब टेक ओवर होता है मैनेजमेंट का, दैट केस इज बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. अगर जो है पार्लियामेंट ने बोला है, अगर पार्लियामेंट ने डायरेक्ट किया है, ऐसे केसेस में भी जो है टेक ओवर हो सकता है ऑफ मैनेजमेंट किसका, ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का. सो हमने तीन केसेस देखे, पहला केस जो था हम जो है इन्वेस्टिगेट करके जो है टेक ओवर करेंगे मैनेजमेंट का, सेकंड केस ऐसा केस है जहां पे हम विदाउट इन्वेस्टिगेशन जो है हम टेक ओवर करेंगे इंडस्ट्रियल यूनिट के
इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के मैनेजमेंट का, एंड थर्ड केस में अगर जो एक्ट बोलता है तो एक्ट बोलेगा तो हमें करना ही पड़ेगा. सो ये हमने थर्ड प्रोविजन देखा. थर्ड इंपॉर्टेंट प्रोविजन वॉज टेक ओवर ऑफ मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग. नेक्स्ट जो प्रोविजन है, फोर्थ जो इम्पोर्टेंट प्रोविजन है, दैट इज रिगार्डिंग रेगुलेशन ऑफ प्राइसेस ऑफ सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन. सो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, अगेन यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकता है, प्रॉपर ये देखना है कि डिमांड और सप्लाई, जितना डिमांड हो उतना ही सप्लाई हो. ऐसा ना हो कि डिमांड ज्यादा हो रहा है, या फिर ऐसा ना हो कि हमारा सप्लाई ज्यादा हो रहा है. इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. ऐसा ना हो कि आपका डिमांड हो रहा है किसी प्रोडक्ट का और मैन्युफैक्चरर उतना सप्लाई कर ही नहीं पा रहा है, या फिर ऐसा हो कि सप्लाई बहुत ज्यादा है और आपका डिमांड जो इतना नहीं है, मतलब सामान आप बनाए जा रहे हो पर लोग उसको खरीदने को है नहीं, ऐसा केस भी नहीं होना चाहिए. तो डिमांड और सप्लाई का जो है उसको बैलेंस करना, वो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है. प्राइजेस को कंट्रोल करना, प्राइजेस बहुत ही ज्यादा एग्जॉर्बेंट नहीं होना चाहिए. प्राइजेस जो है आर्टिकल के हिसाब से ही होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा उल्टा पुल्टा प्राइस नहीं होना चाहिए. लाइसेंसिंग को वगैरह रेगुलेट करने का काम, डिस्ट्रीब्यूशन को, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से, जिस एरिया ऑफ प्रोडक्शन. डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, जहां से प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो रहा है टू द सेल, एक्चुअल जहां सेल हो रहा है वहां तक पहुंचाने का काम, किस किस तरीके से पहुंचाना है, किस तरीके से पहुंचा के प्रॉपर जो है प्रॉपर एरिया में लोगों को वो सामान मिलना चाहिए, उन सब का रेगुलेशन करना, डिस्पोजल करना, एक्विजिशन करना, ये सारा काम भी इसी के अंदर आता है. देन प्रोहिबिशन करना कि ऐसा ना हो कि आप सेल, कोई भी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को आप उसको प्राइस बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट का होर्डिंग कर रहे हो, वो सब भी जो है गलत है. एंड रेगुलेटिंग ऑफ प्रोहिबिटिंग ऑफ एनी क्लास ऑफ कमर्शियल एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू सच आर्टिकल्स, जो कि हमारे पब्लिक के लिए नुकसान हो. ऐसे पब्लिक के लिए नुकसान वाले प्रोडक्ट्स जो है आपको बिल्कुल भी पब्लिक मार्केट में, आपको मार्केट प्लेस में नहीं आने देना है. सो ये सारा काम भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट काम है, और ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जो हमारे इस एक्ट के अंदर है. एंड दिस प्रोविजन इज रेगुलेशन ऑफ प्राइस, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन. फिफ्थ जो इंपॉर्टेंट जो प्रोविजन है हमारा, दैट इज रिगार्डिंग द अथॉरिटीज अंडर द एक्ट. नाउ द एक्ट एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश एंड कॉन्स्टिट्यूट सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल टू एडवाइज ऑन द मैटर कंसर्निंग द डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ शेड्यूल्ड इंडस्ट्रीज. सो हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा जो है वो मेन बॉस है, उसको एम्पावर है कि वो क्या कर सकता है, वो सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल, सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल को एस्टैब्लिश कर सकता है. सेकेंड वो किसको कर सकता है, वो वेरियस डेवलपमेंट काउंसिल को भी वो क्या कर सकता है, वो एस्टैब्लिश कर सकता है. अगर हम बात करें सबसे पहले सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल की, तो सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल में भी कौन होगा, एक चेयरमैन तो होगा ही होगा और अदर मेंबर्स होंगे. इसमें मैक्सिमम मेंबर्स 30 ही रह सकते हैं, ठीक है. सो मैक्सिमम मेंबर शुड बी 30. और ये सबका सबको कौन अपॉइंट करेगा, क्योंकि हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट ही बाप है, सो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अपॉइंट करेगा. तो ये हो गया हमारा सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल की कहानी. नाउ इनका जो फंक्शनिंग रहेगा, इनका जो काम रहेगा, वो वैसा ही रहेगा जो कि हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो प्रिस्क्राइब्ड कर रहा है. द सेंट्रल गवर्नमेंट में कंसल्टेट ऑन एनी मैटर कनेक्टेड विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ IDRA. सेकेंड अगर हम बात करें डेवलपमेंट काउंसिल की, नाउ इट शैल कंसिस्ट ऑफ ऑल द मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग द ओनर्स ऑफ द इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स. और डेवलपमेंट काउंसिल में कौन कौन होंगे, ऐसे मेंबर्स होंगे, कुछ तो ऐसे लोग होंगे जो कि रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, जो कि ओनर्स होंगे वेरियस इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के. सेकेंड लोग वो होंगे जिनके पास, कुछ लोग हो गए ओनर हमारे, कुछ लोग हो गए ऐसा लोग जिनके पास टेक्निकल स्किल्स है, टेक्निकल नॉलेज है उस इंडस्ट्री से रिलेटेड. कुछ हो गए एम्प्लॉयज, कुछ हमने एम्प्लॉयज को भी इनवाइट करा. सो यहाँ पे कुछ लोग आ गए हमारे एम्प्लॉयज भी, एंड कुछ आ गए हमारे कंज्यूमर्स भी. तो ये सारा मिलके हमारा डेवलपमेंट काउंसिल तैयार हो गया. एंड बाय वर्च्यू ऑफ दिस एक्ट एवरी डेवलपमेंट काउंसिल शैड बी अ बॉडी कॉपरेट एंड विल हैव अ नेम. सो हर डेवलपमेंट काउंसिल का एक बॉडी कॉपरेट होगा एंड इट विल हैव अ नेम. इसका जो है सेपरेट लीगल एंटिटी होगा. ये परचेज कर सकता है, होल्ड कर सकता है, ट्रांसफर प्रॉपर्टी कर सकता है अपने नाम पे. सो इसका जो है प्रॉपर एक नाम होगा. इसमें कौन कौन लोग हो गए, आई होप आपको समझ आ गया होगा. इसमें एक ओनर, उसमें ओनर्स होंगे जो कि वेरियस अंडरटेकिंग को रिप्रेजेंट करते हैं. इसमें लोग होंगे जिनके पास टेक्निकल नॉलेज होगा, ऐसे लोग होंगे जो एम्प्लॉयज होंगे, एंड ऐसे लोग होंगे, कुछ लोग होंगे जो कि कंज्यूमर्स होंगे. सो ये सारे मिला के हमारा डेवलपमेंट काउंसिल करता है.
ये सारा अगेन ये सबमिट करता है, ये प्रिपेयर करता है रिपोर्ट, और वो किसको सबमिट करेगा, जो भी रिपोर्ट्स होंगे सबमिट करेगा हमारे सीजी को, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये जो डेवलपमेंट काउंसिल है ये कुछ ना कुछ स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शंस भी परफॉर्म करती है जो कि सेकेंड शेड्यूल में आपका लिखा गया है, या फिर कुछ ऐसे ड्यूटीज जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको बोलते हैं। सो डेवलपमेंट काउंसिल क्या क्या काम करेगा, जो सेकेंड शेड्यूल में दिया गया है एक्ट के, वो काम करेगा, प्लस जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो जो एक्ट देती है वो सारा करेगा। सेकेंड शेड्यूल में क्या क्या ऐसे काम दे रखे हैं जो डेवलपमेंट काउंसिल को करने हैं, डिफरेंट, जैसे कि रिकमेंड करना कि टारगेट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, कोऑर्डिनेट करना प्रोडक्शन वगैरह के बीच में, सजेस्ट करना कि हम जो है एफिशिएंसी और किस तरीके से बना सकते हैं, हम जो है वेस्ट को किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं, बेटर मार्केटिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं, प्रमोशन हम किस तरीके से कर सकते हैं, एक स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट हम कैसे बना सकते हैं, असिस्ट करना डिस्ट्रीब्यूशन में, प्रमोट करना, यूटिलाइज करना प्रॉपर, हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सबको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना, जितने भी लोग हैं लेबर का यूटिलाइजेशन भी करना, लेबर का ट्रेनिंग करना, लेबर का हमें डेवलपमेंट करना, उनको सिखाना, ट्रेनिंग के बाद उनको देखना कि उन्होंने कितना सीखा है, पूरा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का प्रोसेस, डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स को फॉर्मुलेट करना, प्रमोट करना अडॉप्शन ऑफ प्रॉपर स्ट्रैटेजीज, प्रॉपर मेजर्स फॉर इंक्रीजिंग दिस प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, एंड कोई भी इन लोगों में झगड़ा झगड़ा किसी भी तरीके का जो प्रॉब्लम होता है सब कुछ सुलझाना, ये सारा काम जो है सेकेंड शेड्यूल के अंदर डेवलपमेंट काउंसिल को करना पड़ता है। सो ये सारा काम तो इन्हें जो है वो करना ही करना होता है, प्लस एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट योर सेंट्रल गवर्नमेंट्स टेल यू टू डू। सो ये सारा आता है हमारा अथॉरिटीज अंडर एक्ट में। अथॉरिटीज अंडर एक्ट में कौन है, मेन हमारा अथॉरिटीज अंडर एक्ट है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, वो जो एडवाइजरी काउंसिल और डेवलपमेंट काउंसिल बना सकता है। एडवाइजरी काउंसिल हमने देख लिया कौन कौन होता है, उसमें चेयरमैन और 30 मेंबर्स होते हैं, सब मिला के 30 मेंबर्स होते हैं, सबका अपॉइंटमेंट कौन करता है, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट ही करता है, और इनका मेन काम वही रहेगा जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगा। डेवलपमेंट काउंसिल की अगर हम बात करें तो क्या होगा, उसमें कौन कौन होंगे वो हमने देख लिया, ये सारे लोग होंगे, ओनर होगा, लोग होंगे विद टेक्निकल नॉलेज, एम्प्लॉईज होंगे, और हमारा कंज्यूमर होगा। और इनका काम क्या रहेगा, इनका जॉब वही रहेगा भाई, दो काम रहेगा, एक तो सेकंड शेड्यूल में जो दिया है वो सारा काम करना, ये सारा काम जो अभी जो मैंने बताया वो सारा काम करना, प्लस जो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको बोलता है वो सारा काम भी इसको करना पड़ेगा। सो ये सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है जो हम जो ये जो एक्ट पढ़ रहे हैं, हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951, ठीक है। सो हम यहाँ पे इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 को हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, और इस एक्ट के अंदर जो जो चीज़ें आती हैं, जो स्पेशल प्रोविजंस है, उस प्रोविजन में से आपको जो इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस, आपको 5 प्रोविजन पढ़ने हैं, और वो 5 के 5 हमने इस सेशन में कवर अप कर लिए। पहला था हमने रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग के बारे में देखा, फिर हमने इन्वेस्टिगेशन देखा कि इन्वेस्टिगेशन पावर कितना दिया गया है, किसको दिया गया है, किसको दिया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ही दिया गया। देन हमने देखा कि टेक ओवर जो है, टेक ओवर किस किस स्टेट में हम लोग कर सकते हैं, किस किस तरीकों से कर सकते हैं। देन हमने देखा कि रेगुलेशन ऑफ प्राइसिंग किस तरीके से होता है, सप्लाई करना होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का, हर चीज का प्रॉपर रेगुलेशन करना, अगेन वो किसका काम होता है, वो हमारा काम रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। एंड फाइनली वी स्टडीड अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ अथॉरिटीज कंसर्न, उसमें भी हमारा जो हेड रहेगा वो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट ही रहेगा। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन, आई होप आपको इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 जो है समझ आ गया है। इसमें 5 टॉपिक्स थे, हमने 5 टॉपिक्स को कवर अप इस सेशन में कर लिया है। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू रियाज क्लासेस, थैंक यू एंड बाय बाय।